नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। भारत सरकार देश में लोगों के घर के सपने को सच करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। इस योजना का फ़ायदा लाखों लोग ले चुके हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे दो ऐसी टीचर्स के बारे में जिन्होंने 150 बेघर लोगों को घर बनवा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल के एक स्कूल की दो टीचर्स, सिस्टर लिसी और लिली पॉल की। ये दोनों अपने प्रयासों से पिछले 6 साल में 150 लोगों को घर बनवाकर दे चुकी हैं। दरअसल केरल के कोची में पढ़ने वाले थोयप्पमा गांव की दो टीचरों ने बेघरों की समस्या को लेकर खासी परेशानी थी और उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी ज़िंदगी आसान बन जाए। वहीं इस विचार को ध्यान में रखते हुए उनको ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे लोगों के जिनके पास अपनी छत नहीं है उनको कोशिश की जाए कि छत मिल जाए। अब सवाल था कि पैसे कहाँ से आए, इसका भी समाधान निकल आया। आपको बता दें, केरल के कोची में पढ़ने वाले थोयप्पमा गांव के एक स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर लिसी और उनकी एक साथी टीचर ने स्कूल के टीचर्स से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पैसे में संपन्न थे, साथ ही कुछ लोगों की मदद से इस नेक कार्य को अंजाम दिया और लोगों की मदद से उन्होंने पूरे 150 घर बनवा डाले। कई लोगों ने पैसे से मदद की, साथ ही कुछ ने अपनी ज़मीनें दान दी जिन पर ये घर बनवाए गए हैं। We started House Challenge project, first of all to shelter our own students, those who come without basic facilities. Then when we saw our dream is to make the society homeless free, that means to end homelessness. So in order to fulfill our dream, we started this journey of transformation by promoting a culture of collaboration and sharing. So many people began to be part of this house challenge project. We have completed 150 houses and we also started to get land, that means people began to donate land. आपको बता दें, सिस्टर लिसी ने बताया कि स्कूल के एक ऐसे छात्र जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, उसकी मदद को उन्होंने चंदे से रकम जमा की और उसे घर बनवा कर दिया। बस फिर क्या था, फिर तो उनके लिए ये जुनून ही हो गया कि कैसे बेघरों को घर दिए जाएं। मंशा अच्छी थी तो ये सिलसिला चल निकला और आगे भी जारी रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।